हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। जब भी हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, देयर इज़ वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड ऑल द प्लांट्स दे आर बीइंग क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स। देयर आर प्लांट्स जो कि सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो कि सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते। vascular tissues, there are some plants which have xylem and phloem, but there are some plants which don't have these kinds of vascular tissues. There are plants whose body is not differentiated into the roots, stem and leaves, but there are plants whose body is differentiated into the roots, stem and leaves. So ये जो plant kingdom है, it is divided into the sub kingdoms, that is cryptogams and the phanerogams. Cryptogams, these are the plants who do not produce seeds. लेकिन फेनेरोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं विच प्रोड्यूसेस द सीड्स। फर्दर ये जो सब किंगडम है क्रिप्टोगैम्स, दे आर बीन डिवाइडेड इनटू द डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा। यहाँ पर जब हम सबसे पहले डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर हम स्टडी करते हैं अबाउट द एल्गी। एल्गी विच ऑलवेज ग्रो इन द वाटर, जैसे कि ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द थैलोफाइटा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स बिकॉज दे रिक्वायर वाटर एज वेल एज लैंड फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। यहाँ पर ब्रायोफाइट्स में लोअर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स भी हैं और हायर मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट्स भी हैं। सो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के भी बारे में स्टडी करेंगे, लाइक द रिक्शिया है, here this is an example of the bryophyte, then comes the mercantia hai, this is also an example of the bryophyte, or also here like the funaria, here this is also an example of the bryophyte. Next we will study about the pteridophyte. Pteridophyte, here these are the terrestrial true land plants, और यहाँ पर हम कुछ examples पढ़ेंगे, like for example the fern or you can say the nephrolapis. Next here we are going to study about the phanerogams. Phanerogams जो हैं, they always produce seeds and here they are being classified into the group that is gymnosperms and angiosperm. Gymnosperm में हम study करेंगे plants like the cycus है, even the plants like the pinus है, all these are example of the gymnosperm. और next हम पढ़ेंगे about the angiosperm. These are the flowering plants. ये ऐसे प्लांट्स जो कि हमेशा फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। फर्दर द एंजियोस्पर्म, दे आर बीन क्लासिफाइड इनटू द मोनोकॉट्स एंड द डायकॉट्स। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिसके पास एक ही कोटिलेडॉन होता है, देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ द वन कोटिलेडॉन, इसीलिए इसको मोनोकॉट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेज, फॉर एग्जाम्पल द शुगर केन है, ओके, एंड ऑल्सो लाइक द बनाना, ओके, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द मोनोकॉट। यहाँ पर मोनोकॉट में जो है, जो भी हम लीव्स के बारे में स्टडी करते हैं, हियर द लीव्स दे ऑलवेज हैव अ पैरेलल वेनेशन इज प्रेजेंट, दे ऑलवेज हैव अ पैरेलल काइंड ऑफ वेनेशन इज प्रेजेंट इन देम। एंड जो भी रूट्स प्रेजेंट होंगे, द रूट्स दे ऑल आर द फाइब्रस काइंड ऑफ रूट, मतलब सारे रूट्स की जो लेंथ है वो इक्वल साइज की ही होगी। द रूट्स दे आर नॉट प्रेजेंट डीप डाउन इन टू द सॉइल, इट डजेंट गिव अ कंप्लीट सपोर्ट टूवर्ड्स द प्लांट। सो इस तरीके से ये फीचर्स नज़र आते हैं मोनोकॉट में। नेक्स्ट इज अबाउट द डायकॉट। इसमें जो है दो कोटिलेडॉन्स नज़र आती हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ डायकॉट, एंड हियर दीज लीव्स दे हैव अ रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनेशंस आर प्रेजेंट। इट मीन्स इस तरीके से जो वेन्स हैं वो डिवाइडेड होंगे, ब्रांच्ड होंगे, रेटिकुलेट वेनेशन इज प्रेजेंट, एंड दीज आर द प्लांट्स हु हैव अ टैप रूट kind of roots. ये primary root होगा, फिर secondary root, tertiary root and quaternary root, and these roots are present deep down into the soil. So इस तरीके से है, all these are characters present in the dicots. Next here this is how we have studied about the plants. There are cryptogams which do not produce seeds and the phanerogams which produces the seeds. So cryptogams, here they do not produce seeds but they produces the spore, and this is how the life cycle is completed. And here the reproductive parts, they reproduce sexually by gamete, but sex organs they are completely hidden. And when we talk about the phanerogams, these are the seeds producing plants, or jo bhi reproductive parts present, they are completely visible. So this is how we study about the animal kingdom, and here the video stops, and thank you very much.